तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर न्यू एंड फ्रेश व्लॉग ऑफ ऋषभ डे व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई गेस आप सभी बहुत ही ज़्यादा मस्त होगे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी हम कहाँ पे हैं, GGPS अरे यार GGPS क्यों बोलते हैं, GGSESTC ठीक है, मेरा कॉलेज। तो गाइस आज ना कॉलेज में बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारा है फ्रेशर्स, ठीक है, फ्रेशर्स डे है आज। तो बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग आज ब्लॉग बनाने वाला है। तो ब्लॉग में ना फुल ऑन मस्ती होने वाला है, तो ब्लॉग एकदम एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जितना भी सारा प्रोग्राम से वो सभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। और यहाँ पे मेरा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा ऋषभ_day_, तो उसे भी फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ भी बहुत अमेजिंग कंटेंट रहता है, ठीक है। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। सो गाइस हम और हेमंत ना देखो एकदम ट्विनिंग करके पहन चुके हैं, हम जस्ट ब्लैक पहने हैं और इसी का व्हाइट हेमंत पहना है और नीचे भी लगभग सेम ही है, ठीक है। तो गाइस चलो अंदर में ना सारा दोस्त आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और सबसे मिलते हैं, ठीक है। गाइस अभी ना हम अपने डिपार्टमेंट के पास आ चुके हैं और यहाँ पे ना मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं ना सब मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो। तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं नीचे में, ठीक है, और वहाँ पे जाके मौज करते हैं, तो देखते हैं कि कैसा सेलिब्रेशन, मतलब तैयारी कैसे चल रहा है क्या नीचे क्या। और इसे तो आप जानते ही होंगे बहुत ही शरीफ लड़का है गाइस, गुड बॉय। और मेरा दोस्त, ठीक है, शिवम ब्रो, पूरा आज भी टीका कर रही है। अरे भाई शाम को फेयरवेल तो होते रहेगा, लेकिन पूजा नहीं छूटना चाहिए, बात सही है, फेयरवेल होते रहेगा। फेयरवेल थोड़े है यार, वही हम लोग अब फ्रेशर्स है, हां तो प्रेशर तो होते रहेगा लेकिन पूजा होना चाहिए। तो गाइस अभी ना कूपन सिस्टम होने वाला है, ठीक है, तो अभी हम लोग को कूपन लेना पड़ेगा, तो उससे पहले डायरेक्टर सर से एक बार मिल लेते हैं, तो वो बोल रहे थे कि बात करना है कुछ, तो देखते हैं क्या बात है। सो गाइस अब ना आप लोगों को डेकोरेशन दिखाते हैं, ठीक है, जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे अब वो आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस यहीं पे अभी ना हम लोग का फ्रेशर्स होने वाला है, तो देखो पूरा मस्त अभी लगता है ना, डीजे वीजे भी चलने वाला है क्या हेमंत ब्रो, भाई बहुत एक्साइटेड है यार। और ये देखो अभी ना सब आने वाला है, ठीक है, अभी पूरा पूरी फुल हुआ नहीं है, ये देखो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम हालत ख़राब हो रही है, क्या बताइए। देखो सो गाइस अभी ना मेरे को पता चला कि यहाँ पे ना फ्रेशर्स के साथ फेयरवेल भी है, ठीक है, तो पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। सभी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा मज़ा ले रहे हैं हम भी और मेरा ब्रो भी, ठीक है। गाना गाया जा रहा है गाइस, बहुत ही सुरीला गाना गाया जा रहा है। कैसा जा रहा है फ्रेशर्स पार्टी है बताओ? सो गाइस ये लड़की अभी गाना गाई, बड़ा मस्त गाना गाई, इतना मस्त गाना गाई कि मेरे को सुनाई नहीं दिए कि गाना क्या गाई। सो गाइस अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी है क्या ही बताएं, और ये देखो ये लोग का लुक खतरनाक एकदम बन गया है, क्या बन गया है भाई, क्या बन गया है, हाय क्या बन गया है, क्या साला पगला गया है गाइस, मैं बन गया है साउथ इंडियन टिपिकल, ये देखो साउथ इंडियन बन गया है, इंडियन we
प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गामछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। Much later. So guys, जितना भी प्रोग्राम था ना वो सारा ओवर हो चुका है। बहुत ही ज्यादा मजा आया, फुल ऑन डांस किया। तो डांस करते करते ना हम इतना डांस किया कि रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों को दिखाएं बस वही रिकॉर्ड कर पाए थे। अब खाने का बारी, तो मस्त अभी डिनर होने वाला है, तो चलो डिनर करते हैं और फुल ऑन एंजॉय करते हैं। सो गाइस, ऐसा टोकन मिलता है, ठीक है, खाना खाने के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना सारा देखो बच्चा ना लाइन में लगा हुआ है। तो गाइस, ये लाइन का नाम है भाईचारा ऑन टॉप लाइन, ठीक है। हम लोग लाइन में नहीं लगे थे, बीच में घुस गए, और भाई लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लड़कों में ये चीज़ होता है। और भाई देखो बहुत सारा बच्चा खड़ा है, ठीक है, ये देखो। तो अभी हम लोग भी खड़े हैं लाइन में और वेट कर रहे हैं हमारा डिनर का। और बारिश ना हो जाए भाई, बारिश होगा ना था तो ना भाई सबको भागना पड़ जाएगा। ये देखो सब अभी खुला छत के नीचे है, बारिश हो जाए तो बर्बाद हो जाएगा। सो गाइस, मेरे बगल में ना एक भैया थे, तो उनका ना टोकन गिर गया। अब इतना बड़ा दर्द वो कैसे सहेंगे, अब हम क्या ही बताएं। वो भी एक नहीं, दो दो टोकन, 500 रुपया गिर गया गाइस, 500 रुपया। अब क्या होगा बताइए, कोई और खा जाएगा उनका एक प्लेट खाना, कितना लेगा भाई? हो गया, हो गया, घर लगता कि दोपहर तक खाना नहीं खा गया है। चिकन इसके ऊपर में दे दिया यार, चलो ठीक है। कुछ मीठा हो जाए, पापड़ कहाँ है? पापड़ लाइए। छाके नहीं पापड़। तो गाइस डिनर तो हो चुका है हमारा, और डिनर बहुत ही ज़्यादा मस्त था। तो गाइस अब ना सभी अपने अपने घर जा रहे हैं, और बसेस भी अभी चल रहे हैं, जो जो बस से आता है वो बस से जाने वाला है, ठीक है, और जो अपने से है खुद से है वो खुद से जा रहा है। तो चलो सबसे और एक बार मिल लेते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो गया है। सो गाइस, मेरे को ऐसा फील आ रहा है ना कि अभी ना हम शादी में आए थे और शादी से घर जा रहे हैं, समझे। सो गाइस अपना घर जाने का वक्त आ चुका है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे हो तो ब्लॉग को जरूर लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लो, और मिलते हैं ऐसे किसी मस्त वाले ब्लॉग में।